तो दोस्तों अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि इसमें हम सारी डिटेल देने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एट्रेना क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाले हैं कि साथ साथ में उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, साथ साथ में उसके क्या बेनिफिट्स, जो अपना एट्रेना क्रेडिट कार्ड होता है उसके लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन क्या लगने वाले हैं, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करते, इस वीडियो को लाइक करते, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। तो अगर आप एट्रेना क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। साथ साथ में अगर आप इजी का क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी अपना इजी क्रेडिट कार्ड है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और पूरी जो डिटेल है वो एक्सप्लेन करते हैं कि। तो दोस्तों अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा एट्रेना कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो हम सारी डिटेल देने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी, किस प्रकार से आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, साथ साथ में इसके क्या फीचर्स हैं, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है किस प्रकार से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ में इसके लिए मैंने सारा वीडियो है वो पहले से ही बना रखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताने वाला है कि इस क्रेडिट कार्ड को आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या साथ साथ में इसके फीचर्स है वो इस वीडियो में बताने वाला है। तो आप देख सकते हैं एवरी हैप्पी एक्सपीरियंस ट्रांजैक्शन ऑफ, और इस कार्ड में आप साथ साथ में ट्रैवल, डाइनिंग, शॉपिंग एक्सपीरियंस, फ्यूल वगैरह जो सारी डिटेल होती है वो आप इसमें जो है उसका लुप्त है ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके बेनिफिट्स हैं कुछ, आप देख सकते हैं फिटनेस एंड फ्रोलिक, ट्रैवल बेनिफिट्स, डाइनिंग एक्सपीरियंस, मूवीज एंड शॉपिंग फन। तो आप इन चार पांच जगहों पर इनका जो है काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको देख अच्छे पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर भी। अगर आप इसमें अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट है वो बेहतर देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में इसकी माइलस्टोन रिवॉर्डिंग की बात कर लेते हैं, तो आपको अगर 50,000 रुपये आप अगर 60 दिन के अंदर स्पेंड कर लेते हो तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और साथ साथ में अगर आपको 20,000 बोनस पॉइंट रिवॉर्ड होना चाहिए तो आपको 5,00,000 रुपये एक साल के अंदर इस जो आप क्रेडिट कार्ड है उससे ट्रांजैक्शन करना होगा। और फ्यूल सरचार्ज वगैरह आप देख सकते हैं 1% फ्यूल चार्ज वगैरह फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि इनका करीब करीब अक्रॉस इंडिया में आप जो इनका ट्रांजेक्शन है वो आप कर सकते हैं, जिसमें से आपको 400 रुपये से लगा करीब 5,000 रुपये मैक्सिमम जो उनका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 250 पर स्टेटमेंट साइकिल ओनली। तो आप इसको एक स्टेटमेंट पर ही यूज कर सकते हैं। कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट अगर जो 3 रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ एवरी 100 स्पेंड एनी अदर कैटेगरी, अगर आप कहीं पर भी इस कार्ड को यूज करते हैं 100 रुपये से ज़्यादा तो आपको उसमें जो 3 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। तो रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट फॉर कैशबैक, तो इसके लिए आपको लिए अगर आप जो पॉइंट है वो कितने रुपये के बराबर होता है तो एक रिवॉर्ड पॉइंट है वो 25 पैसे के बराबर होता है। तो अगर आपके पास में 4 पॉइंट होंगे तो आपके पास में 1 रुपया उसका बन जाएगा, जो कि आप क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो क्रेडिट कार्ड है वो देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा ब्लैक कलर में मिलता है और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मिलता है ये हमें। और इसमें साथ साथ में आप स्मार्ट EMI ऑप्शन, जो कि कन्वर्ट परचेज ऑफ 25 ऑन योर कार्ड इंटू इजी EMI ऑफ 6 मंथ, तो आप इसको जो 2500 रुपये से लगा करके जितने भी ऊपर आपको मिनिमम 2500 रुपये रहेंगे इसमें, उसमें से आप 6 महीने से लगा करके 36 महीने की जो है वो आप इसमें EMI ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। फ्री एड ऑन कार्ड, अगर आपके जो 3 लाइफ टाइम फ्री एड ऑन कार्ड ऑफ सपोज पेरेंट्स, सिबलिंग और किड्स, अगर आप इसमें अगर आप कार्ड में और ऐड करना चाहते हैं कि जो कि आप उनके पास में भी कार्ड रहेगा आपका ही वो इसमें से हैं जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि आप 3 जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, आप जो इसमें ऐड कर सकते हैं आपके सपोज पेरेंट्स, सिबलिंग और किड्स को आप इनमें ऐड कर सकते हैं। इनबिल्ट इंश्योरेंस कवर, गेट अ फ्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर टू इंश्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली एयर 1 करोड़ नॉन एयर 10 लाख। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इंश्योरेंस है वो भी एक्सीडेंट डेथ कवर में इंश्योरेंस इनका मिल जाता है। 0 लाइबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड, अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है तो आपको इसमें कोई भी आपका जो है नुकसान नहीं होने वाला है, जो बिल्कुल आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वापस हैं क्लोज करके अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ में नाउ द एप्लीकेशन गाइडलाइंस सेम टाइम फर्स्ट टेक योर एप्लीकेशन, तो एलिजिबल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो प्राइमरी कार्ड होल्डर बिटवीन द एज ऑफ 21 ईयर एंड 65 है, अगर आप इसमें जो एलिजिबल एज की एलिजिबिलिटी रहने वाली वो है 21 साल से 65 साल के बीच में रहने वाली है। और एड ऑन कार्ड शोल्डर शुड बी ओवर, अगर आप किसी एड ऑन कार्ड करते हैं तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से साल से ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो इनकम है उनकी कम से कम 12 लाख रुपये पर एनम होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, मिनिमम 12 लाख रुपये तो आपके पास में जो है पर एनम की जो इनकम है वो होनी चाहिए। तो आप भारत के निवासी होने चाहिए, साथ साथ में
और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रूफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड तो आपके पास में मैंडेटरी होना ही चाहिए, और साथ साथ में प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे कुछ भी हैं वो दे सकते हैं। साथ साथ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी को आप एड्रेस प्रूफ में भी यूज कर सकते हैं, और इनकम प्रूफ में आप सैलरीड हैं, लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप प्लस बैंक स्टेटमेंट शोइंग सैलरी क्रेडिट। अगर आप सैलरीड से अप्लाई करेंगे तो आपके पास में 2 महीने पुरानी सैलरी स्लिप, साथ साथ में आपका जो जिस टाइम आपकी जो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई थी वो आपके पास में स्टेटमेंट में वहाँ पर शो होना चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लेटर इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपके पास में ITR होना चाहिए। ITR आप 1 साल का होगा तो भी आपके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और इसकी एनुअल फ़ीस की बात कर लेते हैं कि क्या फ़ीस क्या लगने वाला है। फर्स्ट ईयर फीस लिविंग इन फर्स्ट ट्रांजेक्शन प्राइमरी, तो आपको 2499 रुपये का इसका जो है जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपको देना पड़ सकता है। और साथ में अगर आप एड ऑन करवाते हैं तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो इसकी एनुअल फीस है वो 2499 रुपये, और साथ साथ में एड ऑन कार्ड नील है। फर्स्ट ईयर वेवर गुड ज्वाइनिंग फीस वेवन स्पेंडिंग 25,000 विद इन फर्स्ट 60 डेज ऑफ कार्ड सेटअप डेट। अगर आप जो इसका फर्स्ट ईयर का अगर फ्री करवाना चाहते हैं तो आप इसमें से 25,000 रुपये का 60 दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फीस रिवर्सल विल रिफ्लेक्ट इन फोर्थ बिल स्टेटमेंट फ्रॉम कार्ड इंश्योर मंथ प्रोवाइड ड्यू पेमेंट आर में। तो अगर आपको जो फोर्थ स्टेटमेंट तक आपको जो सारा आपका पेमेंट है ड्यू है वो आपको सब जो क्लियर करना होगा। स्पेंड डायलॉग मोर ऑन ईयर ऑफ एनुअल फीस वेवर इन सबक्वेंट ईयर। अगर आप डायलॉग से अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री हो सकता है। साथ साथ में फर्स्ट ईयर फीस रिवर्सल एनुअल फीस व्यूज एप्लीकेबल ओनली, आपको जो है टाइम से टाइम इसको पैसा है जो पे करने की जरूरत होगी। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप कॉल कर सकते हैं, साथ साथ में जो है आप इनके मेल पर भी सपोर्ट से बात कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी जो सारी डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल करके अप्लाई कर सकते। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है ITIN का क्रेडिट कार्ड वो अप्लाई कर सकते हैं।